साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री फॉर क्लास ट्वेल्व। इसमें हम लोग को पढ़ना होता है सॉलिड स्टेट में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम लोग जानेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन के बारे में। इन सेक्शन 1.2 We have learned about the amorphous substances and that they have only short range order. However, most of the solid substances are crystalline in nature. मैंने हम लोग जितने भी amorphous के बारे में हम लोगों ने जाना वो थोड़े ही हैं और ये थोड़े ही कुछ ही हैं जो गिने चुने जो इस्तेमाल करने लायक हैं नेचर में। ज़्यादातर आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड ही मिलेंगे, जैसे ऑल मेटालिक एलिमेंट्स, जितने भी आपके मेटालिक एलिमेंट्स हैं जैसे आयरन, ये आयरन हो गया, फिर आपके कॉपर, सिल्वर, नॉन मेटालिक में आ गए सल्फर, फास्फोरस एंड सल्फर फास्फोरस के बाद आयोडीन, कंपाउंड में आ गया है सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड एंड नेफ्योथिलीन आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स के रूप में हम इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम बांटते हैं। ऑपरेटिंग इन देम फोर कैटेगरीज विज मॉलिकुलर, आयनिक, मेटालिक और कोवेलेंट सॉलिड्स। तो ये तीन कैटेगरी कौन कौन हो गए, मॉलिकुलर, आयनिक, मेटालिक और कोवेलेंट। इसके शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहेंगे ताकि आपको पढ़ाई लिखाई में सुविधा हो। केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और आपको और वीडियो बढ़िया मिलेगा और बढ़िया तरह समझा करके मिलेगा, लेकिन आप नोट्स बनाएंगे, रोज़ पढ़ेंगे तो यह आपके दिमाग में टिका रहेगा, अन्यथा अगर पढ़ाई छोड़ देंगे तो ये बहुत ही भारी सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आते हैं फिर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड तीन चार कैटेगरी में बांटा गया है, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटालिक, कोवेलेंट। चलिए लेट अस नाउ लर्न अबाउट दिस कैटेगरी। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, चलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इसका पूरा नाम हो गया मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। मॉलिक्यूलर आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग कैटेगरी, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये तीन कैटेगरी है। तो सबसे पहले आता है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो इसको NPMCS कह सकते हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कह सकते हैं। दे कंप्रेज ऑफ आइदर एटम, फॉर एग्जाम्पल आर्गन, हीलियम और मॉलिक्यूल फॉर्म्स बाय नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन। इन दिस सॉलिड द एटम्स और मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्सेस अबाउट विच यू लर्न 11 क्लास। क्लास 11 में आपने लंदन फोर्सेस के बारे में पढ़ा हुआ है, वीक डिस्पर्सल फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। दी सॉलिड आर सॉफ्ट, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड कहते हैं। ये हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन इसके एग्जाम्पल हो गए। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इन लिक्विड और गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मैंने ये सॉलिड होते हुए रूम टेम्परेचर पे ये गैस या लिक्विड के रूप में होते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, द मॉलिक्यूलर सॉलिड सब्सटेंस लाइक HCl, सल्फर डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये मैंने कोवेलेंट बॉन्ड के चलते ही ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का सॉलिड कहलाते हैं। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के चलते ही कहलाते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन सच सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय अ रिलेटिव स्ट्रॉन्गर डायपोल इंटरसेक्शन होता है इनमें। दिस सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ये सॉफ्ट होते हैं और कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड येट मोस्ट ऑफ दीज आर गैस। इसमें ज़्यादातर गैस मिलेंगे, लिक्विड मिलेंगे रूम टेम्परेचर में, जैसे सॉलिड में हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, सॉलिड में हो गया आपका NH3 अमोनिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए पोलर सॉलिड के, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। अब आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड कंटेन पोलर बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड होगा बिटवीन हाइड्रोजन और फास्फोरस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स के बीच में। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बाइंड मॉलिक्यूल सच एज द सॉलिड लाइक H2O आइस के रूप में। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। जनरली दे आर वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड अंडर रूम टेम्परेचर होते हैं एंड प्रेशर में। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में जाना। मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन प्रकार के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन। तो नॉन पोलर वो होते हैं जो आपके वीक है ना, वीक फोर्स से, वीक डिस्पर्सल फोर्स से जुड़े होते हैं और रूम टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं तो आपके गैस होते हैं, ठीक है। और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी आपके मॉलिक्यूलर जितने भी होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड सब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। उसी तरह से आपके मोलर पोलर मॉलिक्यूल होते हैं तो उनमें कोवलेंट पोलर बॉन्ड होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होता है, डायपोल मोमेंट होते हैं इनमें, और ये भी आपके लिक्विड या गैस होते हैं रूम टेम्परेचर में, और ये भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले में ये होता है कि ये कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड इनमें भी होता है और बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें। तो नॉन कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते ही हैं। तो इस तरह से आपने मॉलिक्यूलर बॉन्ड वाले यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आपने जाना। हम लोग अगले क्लास में आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड के बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए बच्चे हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।